हाय गाइस, दिस इज श्वेत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मास्क हमारे लिए एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है, बट हमें इतने पैसे खर्च क्यों करने मार्केट से मास्क खरीदने के लिए अगर हम जीरो कॉस्ट में घर बैठे ही मास्क बना सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें आपको पता चलेगा कि घर बैठे मास्क कैसे बनाना है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमें चाहिए एक प्लेट, एक क्लॉथ, एक सुई धागा, एक पेन या मार्कर एंड वन सीजर्स। क्लोथ को अच्छे से बिछा लें, फिर उस पर प्लेट रख के उसके सर्कुलर मोशन में मार्कर से मार्क करें। यहाँ से हम इसे कट करेंगे। मैंने इसमें वाइट कपड़ा लिया है, आप चाहें तो कोई भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं। जिस कलर की आपकी ड्रेस है आप उसके मैचिंग का भी कपड़ा ले सकते हैं। कॉटन लेना मैं प्रेफर करूँगी बिकॉज कॉटन ब्रीदेबल होती है। अभी जैसा कि आप देख सकते हो ये सर्कल अच्छे से कट के आ गया है बाहर। अभी इसे बिल्कुल जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ वैसे ही फोल्ड करना है। याद रखिए इसे टू फोल्ड्स करने हैं जिससे कि फोर सेक्शंस इसके इक्वली। अभी यहाँ से और फिर यहाँ से हमें कट करके चारों सेक्शंस को अलग अलग करने हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इक्वली चारों सेक्शंस कट हो चुके हैं। अभी इन दो सेक्शंस को एक साथ में लेना है, ओवरलैप कराना है और फिर यहाँ से हम इसे स्टिच करेंगे सुई धागे से। फर्स्ट पार्ट हमारा स्टिच हो गया है, सिमिलर वे में हम सेकेंड पार्ट को भी ओवरलैप कराते हुए स्टिच करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमने सिला था उसे हम पलट लेंगे। फिर उसे सेकेंड पार्ट के अंदर डालेंगे। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि दोनों जो स्टिच्ड पोर्शन है वो बाहर की तरफ होना चाहिए और जो अनस्टिच पोर्शन है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। फिर जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सभी को हम एक एक करके सिल लेंगे सुई धागे से। तो सिलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान रखना है हमें कि थोड़ा सा पोर्शन उसका ओपन रहे, इसका मतलब सिला ना गया हो, ताकि हम उसका यूज़ करेंगे अंदर का पोर्शन पलटने के लिए। तो मैंने इसे पलट लिया है और जितने भी स्टिचेस थे वो सारे अंदर की तरफ चले गए हैं जैसा कि आप देख सकते हो। अभी आपको फील आ रहा होगा कि ये कुछ कुछ मास्क जैसा दिख रहा है। अभी हमें रबर लगाने का भी स्पेस बनाना है, तो ऐसा करने के लिए हम इसके कॉर्नर्स को हल्का हल्का फोल्ड करेंगे और फिर इसे सिलेंगे जैसा मैं दिखा रही हूँ वीडियो में। रबर लगाने के लिए आप मार्केट से रबर खरीदा हुआ रेडीमेड भी ले सकते हो, आप कपड़े को रोल करके भी रबर की जगह यूज़ कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा वाला चाहिए। अभी मैंने इसमें रबर लगा दिया है। फिर जितना लेंथ आपको चाहिए उतने लेंथ पे रबर को बांधे और एक गांठ बनाए। गांठ अगर कान के पीछे रहेगी तो चुभेगी, तो उससे बचने के लिए हम ये जो एरिया है इसके अंदर गांठ को ऐसे छुपा देंगे। तो ये रहा हमारा मास्क जो बन के रेडी हो गया है जैसा आप देख सकते हैं। अभी मैं इसे पहन के भी दिखा देती हूँ कि ये फेस पे कैसा दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, आपने भी ऐसा मास्क बनाया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपके फ्रेंड्स को भी पता चले तो इसे शेयर ज़रूर करें।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।